तो फिलहाल सरदना विधानसभा के जो अर्धना गांव है वहां पर एक तस्वीर ये है जहां पर लोग नीचे बैठे हुए हैं और दीवारों पर भी लोग बैठे हुए हैं, योगी जी का इंतजार कर रहे हैं। जान लेते हैं प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे। क्या नाम है आपका? इंदर है जी। कहाँ से आए हैं? घोटके से। अच्छा, ये बताइए कि प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी को ही बना रहे हैं कोई और? प्रधानमंत्री मोदी हो गई। अच्छा, क्यों मोदी हो गए प्रधानमंत्री? मोदी तो वो ही होगा। बढ़िया काम किया योगी जी ने? बढ़िया काम रखा है योगी मोदी, बढ़िया है, बढ़िया दोनों। राहुल गांधी को मौका नहीं देंगे? नहीं, राहुल गांधी का कहाँ है आज का। कई साल से यहाँ सरकार ही नहीं बनती कांग्रेस की। समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी नहीं जी, समाजवादी नहीं। मायावती किसी को तो मौका दीजिए। नहीं जी, हम किसी को नहीं देंगे यहाँ से। क्यों नहीं देंगे मौका किसी को? नहीं, सरदना सहित संगीत सोम या योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं आज, आप संगीत सोम की बात कर रहे हैं? अच्छा, योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं आज जी, और संजीव बालकियान भी, संगीत सोम भी, सब एक मंच पर होंगे तो जी, हो गए भी। अजी नेता तो सबको मिला के बने, जैसे योगी नेता बना सारे देश से बना, सारा देश ही तलाक कर रहा है। कौन सा स्टेट नहीं है जो योगी को नहीं चाहता है? अब ये सारे लुटेरे बटले होके इंडी सरकार बनाने को फिर रहे, बना लेंगे कौन से स्टेट में बना लेंगे? अरे एक दो स्टेट में ये आए हैं, अब उसमें क्या है, उसमें भी ना रहना। मोदी के आगे कोई रुकेगा क्या? अच्छा, मोदी के आगे कोई नहीं रुकेगा, कौन रुकेगा? अच्छा, और वो गांधी परिवार के लाडले राहुल गांधी? राहुल वाले क्या है वे, हमारे देश के तवे, अरे फिरोज खान का खानदान है वो। सिद्धम सिद्ध क्यों नहीं कहते, फिरोज का खानदान है। राहुल को कौन हिंदू कह रहा, खम खम अकवाद करे। 60 साल तो अंकल उन्होंने राज कर लिया देश पे। अरे 60 साल खोया ही तो है, 60 साल खोया ही तो देश को, कुछ करके दिया क्या बताओ सारी जनता में? वो आप मानते हैं कि योगी नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 10 साल और कांग्रेस के 60 साल, 10 साल भारी है? जो 10 साल में हुआ सारे 70 साल में नहीं हुआ, जो अब हो रहा है। क्या रोड विकास कैसे, रोड से यदि रोड है तो विकास है, और विकास के लिए सरकार को ढूंढे को और कोई का खतर, सब अपनी कमाई खाएं। अच्छा, ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति बड़ी होती है कि जो मोदी सरकार है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति बहुत कर रही है, क्या कहेंगे? हिंदू मुस्लिम अतीक कौन था? अतीक कौन था? मुख्तार कौन था? इन्होंने क्या करा? आजम खां कौन था? क्या करा इन्होंने? तो फिर जनता क्या चाहेगी? जनता चाहती है शासन, शासन और प्रशासन मिलकर जहाँ काम करेंगे वहीं देश चलेगा। योगी जी को इसीलिए सारा देश चाहता है, हर स्टेट चाहती है। तो बढ़िया काम चल रहा है दोनों को, इससे बढ़िया चलाएगा कौन है अब इस टाइम कोई ऐसा जो मोदी जैसा काम कर सके। अच्छा, तो आप ये बताइए कि लोकसभा सीट मुजफ्फरनगर की बात की जाए, तो जब मैं यहाँ जनता से बातचीत कर रही हूँ तो कैंडिडेट को लेकर बड़ा सवाल उठ रहे हैं, क्या राय है? ये तो थोड़ा बहुत हो गई, किसी एक भी जाति का से क्या वो बना सकेगा सरकार? किसी एक जाति का विधायक हारे या जीते, किसी भी एक जाति से ना विधायक बनता ना सांसद बनता, तो ये तो आप अपने मन की बात है। तो आप मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जनता मुंह से नहीं निकाल सकती वो हो रहा है नहीं है? यदि एक विधायक हार रहा है अब ये थोड़ा ही जनता को रोक देगा वो है? अरे ठाकुरों का बाहुल्य क्षेत्र है, यही तो बात है, इसलिए उठ रही क्या यहाँ सारे ठाकुर ही हैं? सारे ठाकुर तो नहीं, ठाकुर सब योगी जी के साथ है, जितना ठाकुर आया हो योगी जी के लिए आया। राजपाल? अच्छा, राजपाल जी योगी जी को देखने के लिए आए हैं? नहीं, वोट भी देंगे। खैर, अच्छा वोट भी देंगे। अच्छा, क्या माहौल है संजीव बालियान के पक्ष में, क्या कहेंगे? ना, हो ही जाएंगे खैर। अच्छा, जीत जाएंगे? अच्छा, तो दो चार हुए हो ही हैं भाई, पन्नी वोट बहुत जाएंगे। अच्छा, तो एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बना रहे हैं? हाँ। अच्छा, क्यों, क्या वजह है? ठीक ठाक काम हो रहा, और क्या चाहिए, बढ़िया काम हो रहा, काम सही चल रहा है। और आपके क्षेत्र में कानून व्यवस्था, गुंडागर्दी खत्म हुई है, कानून व्यवस्था बेहतर हुई है? हाँ, बहुत होगी जी, अब तो है ही ना, नाम मात्र की डायरी। तो योगी आदित्यनाथ के शासन को पसंद कर रहे हैं? हाँ। अखिलेश को कभी मौका देंगे? नहीं, अखिलेश तो अखिलेश होता तो आप आज यहाँ ना होते हमारे बीच में, सही बात ये है। जब अखिलेश रोज लाश बिखरे थी, हम गाँव कपसाड़ से है, और जो गंग नहर
जो गंगनहर है उस पर दिन में रास्ता बंद हो गया था। हम आज की तारीख में हम किसी को छेड़ते तो उस गांव के वासी हैं जहाँ गंगा का नीर बहता है जान जी, और उस गंगा पे अखिलेश के टाइम कोई चल नहीं सका। आज क्या हो रहा, पूरी रात चलते हैं। चलो जान जी। क्या नाम है आपका? ओमपाल। ओमपाल जी, किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं? मोदी को। मोदी जी को? क्यों मोदी जी को प्रधानमंत्री? अच्छा काम किया उसने देश के लिए। क्या बड़े अच्छे काम आपको लगते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में? वैसे अच्छे काम हमें दिखाई नहीं दिया आज तक, ऐसा प्रधानमंत्री नहीं बना कोई भी। अच्छा। हाँ जी। क्या काम जो इस क्षेत्र पर प्रभाव डालते हैं? आप कह रहे हैं कि माहौल जो है मोदी के पक्ष में? माहौल नो पक्ष में है कि गुंडागर्दी सब खत्म इसके राज में। हाँ जी। और योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ की तो सारी देनी है, मुख्यमंत्री है वे, मालिक है। हाँ जी। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ एक तरफ, एक तरफ आरएलडी बीजेपी के साथ आ गई है, क्या कहेंगे? नहीं, हम तो बीजेपी के साथ हैं। ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? शोभाराम। शोभाराम जी, बताइए कि एक तरफ आरएलडी और बीजेपी है, दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है, कौन किस पर भारी पड़ रहा है? तो कोई किसी को भारी नहीं पड़ रहा, नरेंद्र मोदी भारी पड़ रहा सबको। अच्छा, सब पर नरेंद्र मोदी भारी पड़ रहा। योगी आदित्यनाथ? योगी आदित्यनाथ भी आएगा। ये तो सरकार डबल इंजन वाली आने वाली है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। डबल इंजन की सरकार को जिता रहे जी? बिल्कुल जिता है। ऐसे क्यों तीसरी बार? हमने हमने खलवे खा रखे अखिलेश की सरकार में। अच्छा। खलवे लगे हुए हमारे, जो जोटे चढ़वा देते गाड़ी में और मुँह बांध दिया, हमें घेर दिया सड़क में। अच्छा, ऐसा आपके साथ हुआ है? ऐसा हमारी गैल हुआ, बहुत सो ये जनता खड़ी है, ये बता देंगे होगा नहीं देखा। गुंडागर्दी चरम पर थी पूरी, मतलब हम मेल में से गन्ने डाल के आ रहे रात में, तो झोटे भी हमें ही चढ़वाने पड़े थे, पीछे से कट्टा लगा दिया, कहने लगे झोटे से मैं चढ़ाओ गाड़ी में। अच्छा, तो वो गुंडागर्दी खत्म हो गई है? बिल्कुल खत्म है, चाहे कहीं चले जाओ कोई दिक्कत नहीं। तो अखिलेश यादव को कभी मुख्यमंत्री बनाएंगे यूपी का? नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल वो इस लायक है ही नहीं। हम तो योगी आदित्यनाथ। हाँ, योगी जी के पीछे आदित्यनाथ तो मिलना ही, ये दोनों सही है। योगी जी की वजह से वोट दे रहे हैं ना? हाँ, अभी तो कैंडिडेट बढ़िया नहीं है, बालियान जी पक्षपाती आदमी है। हाँ, तो कैंडिडेट से नाराज है? हाँ, कैंडिडेट से नाराज है। लेकिन प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री से और योगी से दोनों दिन से खुश है। आपकी नाराजगी को दूर करने के लिए आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ? हाँ, इसीलिए आए हम, इसलिए इस क्षेत्र को चुना है योगी आदित्यनाथ ने। बिल्कुल, इसीलिए से आए हैं, जैसे भी इनका आदेश होगा इनकी गैल रहेंगे। हाँ जी, और ये बताइए कि जयंत चौधरी बीजेपी के साथ आ गए हैं? जयंत चौधरी बीजेपी के साथ आ गए हैं, अच्छा कदम है जो भी आया, बिल्कुल अच्छी बात है। हाँ, जयंत चौधरी भी आ गए, अच्छी बात है। हम तो योगी जी और मोदी जी के लिए हैं बस, इन्होंने देश को बहुत आगे बढ़ा दिया मोदी जी ने, योगी जी ने गुंडागर्दी खत्म कर दी बिल्कुल। ये तो एक भगवान का रूप है दोनों। तो समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या गुंडागर्दी चरम पर थी, क्या वजह थी? समाजवादी पार्टी में तो घरों में से पशु ले जाते खोल के, चोरी डकैती लूट मार बहुत होती थी। और अब तो कोई है ही नहीं, अब तो राम राज आ रहा है योगी जी के राज में। बहन बेटी कहीं भी जाओ कोई छेड़ने वाला नहीं है, उस वक्त बहन बेटी घर में से निकलती भी डरे थी। हाँ, तो राज तो योगी जी का बहुत बढ़िया राज है। हाँ, उत्तर प्रदेश को तो बिल्कुल उन्होंने राम राज ला दिया है। तो रामराज से तकलीफ भी हो रही है कांग्रेसियों को, वो कह रहे हैं होने दो, जो सही आदमी है वे इनकी गैल रहेंगे। हाँ, जो सही आदमी इनकी गैल रहेंगे, और माता बहनें भी नहीं सपोर्ट करेंगी। भले आदमी चाहो भी चल जाओ कोई जातिवाद में इसमें आके, पर माता बहन तो इसे ही सपोर्ट करेंगी योगी मोदी की। जातिवाद से उठकर अपना जो उन्हें मिल रहा है जिस तरीके का सहयोग सरकार से, तो उसमें? हाँ जी, सहयोग मिल रहा जी, गल्ला वगैरह गैस का सिलेंडर सब सुविधा मिल रही। क्या नाम है आपका? आकाश जी। अच्छा आकाश, योगी को देखने आए? हाँ जी। अच्छा, बताइए कौन प्रधानमंत्री बन रहा है? प्रधानमंत्री तो मोदी जी बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे बनाएंगे? वे तो बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे? अगर 4 सीट हार गए तो ना थोड़ी तमीज हो जाएगी, और वे तो खैर जीत ही जाएंगे, प्रधानमंत्री तो बन ही जाएंगे। हाँ जी। क्या नाम है? सतपाल। सतपाल जी, क्या माहौल है लोकसभा सीट मुजफ्फरनगर पर? बढ़िया है। बढ़िया, कौन जीत रहा है? कौन जीत रहा है? यही जीतेंगे पार्टी। अच्छा, बीजेपी? हाँ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? वही होगा। अच्छा। हाँ। तो योगी जी को देखने के लिए आए हैं? हाँ। काम से प्रभावित है उनके या नहीं है? बढ़िया एकदम, एकदम बढ़िया। क्या काम बढ़िया किया? सारे बढ़िया कर दिए उन्होंने तो। बताइए कुछ जरा काम। घटिया कौन सा कर दिया? हाँ। सारे कर दिए। हाँ। क्या काम बढ़िया करे हैं कुछ बताओ आपके गाँव में? निभ्राम सोरे आदमी, गुंडागर्दी सब खत्म होगी।
तो अखिलेश की सरकार में गुंडा करती थी, सारी गुंडा कर दी। हाँ, कोई सो रहा था जब? कोई नहीं सो रहा था, सब जाग रहे थे। ना, सब जाग रहे थे। अच्छा। दरिया हाथ जोड़े, लूटपाट हो रही थी और रोज होती। अच्छा। तो मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के पीछे क्या उनके काम वजह है, काम अच्छे किए? काम ही तो है उसका, जब तो होगा नो कौन हो जाएगा बिना काम के? काम बता दो ना कुछ, कुछ तो काम बताओ। बिना काम तो बुड्ढे को रोटी नहीं देता कोई, नुकते जोता भोक रहा है मतलब। बिना काम कुछ ना होता लल्ली। अच्छा, तो ये बताओ बालियान जी को जिता रहे हैं क्या, नाराजगी आपकी भी है? बालियान जी जीतेगा। हाँ। और यहाँ पर ये कैसा समीकरण चल रहा है कि यहाँ पर टिकट जो है बालियान जी को गलत दे दिया, संगीत सॉन्ग को जाना चाहिए था? संगीत सॉन्ग को ना जा रहा, जो जो अपना नुकसान आप करे आदमी, कोई कोई और किसी का नुकसान नहीं, आप तो करे आदमी नुकसान, जो कोई गलत काम करेगा उसका। तो रघुनाथ जी आ रहे हैं, माहौल ठीक कर देंगे सीट का, बढ़िया करेंगे माहौल और समीकरण बदल जाए, बदल जाएगा। इसलिए तो योगी आदित्यनाथ ने ये जगह चुनी है, इनका आने का जो मकसद है वो इनका कामयाब हो जाएगा। भले चाहे हार जाओ संजीव बालियान, लेकिन उम्मीद ही रहने की, अब जा संजीव बालियान के जीतने के चांस बन जाएंगे। हाँ, तो अंकल क्या कहेंगे? योगी जी के जब कार्यकर्ता है तो जिताने हैं, बहुत सीधम सीध बात है, जाएंगे योगी जी की जीत होगी।